बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं इस वक्त एफए ट्रॉफी 2022, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। पहली बॉल गणेश पाटिल की, अच्छी गेंद, गणेश पाटिल थे वहां पर, अच्छी गेंद के साथ उन्होंने शुरुआत की है डॉट बॉल। इस वक्त दो रनों का पेनल्टी दिया गया है जोहान स्पोर्ट को ड्रेसिंग कंप्लीट ना होने के कारण। तो ये दो रन का पेनल्टी हम जब अर्नव इंटरप्राइजेस खारबाव एक्शन में नजर आएगी तो दो ओवर के बाद, एक ओवर के बाद दो रन ऐड कर देंगे। चार ओवर का मैच देख रहे हैं आप। अगली गेंद, इस बार फिर से बल्ला चलाया, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल। इस बार अपने फॉलोअर थ्रू में रोका गणेश पाटिल ने डॉट बॉल। इस वक्त स्कोर देखे तो सिर्फ एक रन, पिछला मुकाबला हमने देखना बहुत ही अच्छे अंदाज में जीत हासिल की, वहां पर समीर स्पोर्ट पिंपल घर एक तरफा अंदाज में हराया उन्होंने रहमानिया स्पोर्ट को। अगली गेंद, इस बार खेल दिया है ऑन साइड की तरफ, डीप में खिलाड़ी मौजूद, एक रन हल्के कदमों से पूरा किया, एक से ही दोनों बल्लेबाज सहमत। अगली गेंद, इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं, सवाल पूछा था, देखने अंपायर के फैसले का इंतजार, लेग बाई का इशारा आता हुआ, एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ तीन रनों पे पहुंचा है, कोई भी विकेट नहीं गिरा, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। अगर हम बात करें गणेश पाटिल की, अर्नव इंटरप्राइजेस मजहर खान, मैं आपको बताता चलूँ, शिवाज ट्रॉफी की रनर अप है, बहुत अच्छा खेल पेश किया था वहाँ पर इन्होंने। इस बार गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, ये देखिए बहुत आसान सा कैच था, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कहीं ना, खिलाड़ी राहुल तरे थे, लगता है दिन में उन्हें तारे नज़र आ गए। अक्सर हमने देखा है कि गणेश पाटिल जो दूसरा तीसरा ओवर लेकर आते हैं, आज थोड़ा सा प्लान में चेंज है, पहला ही ओवर लेकर आए हैं, गेंदबाजी की शुरुआत की उन्होंने। इस बार ऑन साइड में खेला, डीप में विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, आसान सा लड्डू कैच, पहला झटका लगता हुआ जोहान स्पोर्ट को, रफीक आउट होकर डग आउट। देखिए मजहर खान, ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का 11वां टूर्नामेंट अब तक, और नंबर वन पर जो टीम रैंक कर रही है वो अमान स्पोर्ट है, नंबर टू पर आ चुकी है, अब बिल्कुल लेट आई लेकिन ग्रेट आई, वो है यूग 11 मालोड़ी अंजुमन, अब नंबर दो से तीन पर जा चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो संयुक्त स्पोर्ट है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आई किवरा भादवाड़ है, उसके बाद हम देखें तो आर्यन 11 भादवाड़ है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अर्नव इंटरप्राइजेस टॉप 10 में रैंक कर रही है, टॉप 5 में तो नहीं है क्योंकि देखिए दो टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट टीम है, एक की फाइनल रनर अप है। नए बल्लेबाज आए हैं सुजीत जोहान स्पोर्ट, जिन इसी मैदान पर इनके बल्लेबाज उमेर ने बहुत अच्छा अर्धशतक लगाया था, वो भी आर्यन 11 भादवाड़ जैसी टीम के सामने। वो श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक में टूर्नामेंट में हमने देख रहा था, देखना आज एक्शन में पोइनियर भी नजर आएगी लगता है हमें। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज राहुल तरे, राइट आर्म और द विकेट, गेंदबाजी की शुरुआत, इस बार स्लॉग स्वीप खेला, गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, बहुत फाइन स्ट्रोक खेला चार रनों के लिए, इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हम देखें तो 8 रनों पे पहुंचा है, 8 रन जो एक ओवर में रन खर्च किए थे गणेश पाटिल ने, वहीं पहली गेंद पे वो रन खर्च कर दिए राहुल तरे ने। अर्नव
इंटरप्राइजेस खारबा में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, गणेश पाटिल हैं, अक्षय हैं, वैभव हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ निकलेश शेलार भी हैं, शेलार की तलवार जिन्हें कहा जाता है, समाज का उनका एक टूर्नामेंट हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ, वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। लेकिन डे नाइट खेला गया था वो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अर्नब इंटरप्राइजेस में उन्हें उतना मौका नहीं मिल पाता है, काफ़ी खिलाड़ी अवेलेबल है। देखिए जब बहुत ज़्यादा मज़हर खान आपके पास क्वांटिटी हो जाती है ना, तो फिर ये निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है कि किसे आगे भेजा जाए किसे पीछे। आप देख रहे हैं FA ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज किया है जिसे स्टार चैलेंजर ने जिसे ऑर्गेनाइज किया है। और हम बात करें तो फाइक अंसारी का ये शो है, उनका बखूबी साथ निभा रहे हम्माद अंसारी, आमिर अंसारी उर्फ गुल्लू, रसम भी है अगर हम बात करें तो, जो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। देखिए मज़हर खान ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है, फाइक अंसारी जो बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का, सभी के सभी भाई हमें क्रिकेट में नज़र आते हैं, फाइक अंसारी हो, साइक अंसारी हो, जो सिटी मर्जिंग में बहुत अच्छा खेले इस बी स्पोर्ट की तरफ से। वहीं पर अब देखें तो आमिर अंसारी पोइनियर बी के लिए डेब्यू कर चुके हैं, 2-3 टूर्नामेंट से नज़र आ रहे हैं। अब हम्माद ने आज ऐसा बताया कि उनके एक भाई और हैं वो भी कुछ दिनों में नज़र आएंगे, तो सारा का सारा अंसारी परिवार क्रिकेट के मैदान पर। और हम्माद अंसारी का ऐसा कहना है जो सबसे छोटा है वो सबसे खतरनाक है, छोटा तीर है लेकिन घाव करता गंभीर है। देखने क्या अगले साल अहमद अंसारी एक्शन में नज़र आएंगे। ये सीज़न तो अब मैं समझता हूँ ख़त्म होने को, ये टूर्नामेंट आखिरी रहेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इस बार खड़े खड़े तान दिया है और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन, वाड़ा स्ट्रोक। सिक्सर लगाकर पिक्चर में आते हुए बल्लेबाज तौसीफ, इस सिक्सर की मदद से अगर हम टोटल स्कोर देखें तो तेजी से आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है 15। अगली गेंद प्लेड ऑन, बल्ले का अंदरूनी किनारा, उसके बाद स्टंप भी घिरा, एक और झटका लगता हुआ जोहान स्पोर्ट को। अगर मज़हर खान में इस मैदान की बात करूं तो सिटी मर्जिंग का ये 5वां टूर्नामेंट है, नए बैट्समैन जा रहे हैं सोनू। पहला जो टूर्नामेंट हमने देखा था इस मैदान पर दिसंबर के महीने में वो था लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी, जो सिटी मर्जिंग कमेटी के एक बहुत बेहतरीन कमेंटेटर थे जिन्होंने सिटी मर्जिंग क्रिकेट को बहुत ऊपर तक ले गया था, उनके नाम से कराया गया था। उसके बाद हमने देखा श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक, उसके बाद हमने देखा अमान ट्रॉफी, उसके बाद हमने देखा था उत्तर भारतीय ट्रॉफी, अब उसके बाद देख रहे हैं FA ट्रॉफी। और ख़ास बात मज़हर खान ये है इस मैदान की कि जो अब तक 4 टूर्नामेंट हुए थे उसके चारों फाइनलिस्ट रही थी उस टूर्नामेंट की अंजुमन स्पोर्ट, और एक कप को उन्होंने जीता भी था। सुनवाए नए बल्लेबाज, पहली गेंद पर हेलीकॉप्टर के अंदाज में स्ट्रोक को खेला, गेंद गई थी डीप मिड विकेट की तरफ, गणेश पाटिल मौजूद थे, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से टोटल स्कोर है 16-16। थोड़े से महंगे साबित हुए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें राहुल तरे की, तो एक सफलता उन्होंने ज़रूर हासिल की है, लेकिन जब इस बार घुटना टेक और मस्तक पे दस्तक, सिक्सर, 6 रन। इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, DS स्पोर्ट और संयुक्त, जो इसी ग्राउंड पर जो आखिरी टूर्नामेंट हुआ था उत्तर भारतीय उसकी विजेता है।
डीएस स्पोर्ट आ चुकी है जो इसी साल डेब्यू की है, अभी तक दो टूर्नामेंट खेल चुकी है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर। तो वहीं अगर संयुक्त स्पोर्ट की हम बात करें तो काफ़ी पुरानी टीम है। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज गणेश, इन्हें जूनियर गणेश का नाम दिया इनके 12वें खिलाड़ी ने। इस स्ट्राइक पर है सोनू जोहान के कैप्टन गणेश, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद वहां पर गणेश ने खड़े खड़े खेल दिया हवा में और ये देखिए गणेश पाटिल से कैच छूटता हुआ और दूसरे गणेश का दिल टूटता हुआ और बल्लेबाज एक रन लौटता हुआ। इस एक की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो 23। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद हम आखिरी ओवर का खेल देखेंगे। चौथा चार ओवर का मैच है, अब तक कुल रन बनी है 23। देखिए मजरखाना अगर 35 के आसपास पहुंच जाती है जोहान तो उनके पास एक ऐसा टोटल रहेगा जहां पर वो फाइट करेगी अर्नव इंटरप्राइजेस खारबाव के सामने। जबकि अर्नव की अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो कुणाल अच्छे फॉर्म में है, वैभव भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, निकलेश शेलार तो अभी एक्शन में नहीं नजर आए हैं, गणेश पाटिल भी अच्छा दमखम रखते हैं बल्लेबाजी का। लेकिन जोहान की भी गेंदबाजी ठीक ठाक है, इस बार खेला था लॉन्ग ऑफ की तरफ, दूर से खिलाड़ी आए, एक रन दौड़ के पूरा किया, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस बार छोड़ दिया था, देखना एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। ओहो, कमाल की गेंद, बिल्कुल जड़ हिला कर रख देती वहां पर सोनू की जूनियर गणेश ने। क्यों जब आप बल्लेबाज की जड़ में गेंद रखते हैं ना तो फिर उसके पास बहुत मुश्किल हो जाता है बैकलिफ को ऊंचा करने का। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं गणेश की, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खेला है, खिलाड़ी मौजूद, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को रोका, एक रन सोनू के बल्ले से आए। गणेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, ओहो हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन कोई भी संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त गणेश जूनियर की। टॉस के लिए आना है डीएस स्पोर्ट के कैप्टन और संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन, प्लीज देखिए तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, चार इनिंग के पहले से आपको टॉस के लिए आना है। डीएस के आ चुके हैं, ओहो इस बार थोड़े से आगे आ गए थे, सही जज नहीं कर पाए वहां पर, निकलेश शेलार और गेंद मैदान से बाहर, चार रनों के लिए। संयुक्त के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, डीएस स्पोर्ट के कैप्टन आ चुके हैं। ये देखिए संयुक्त एक अलग अवतार में नजर आ रही है, वो भी आ चुके हैं, वेलकम। स्कोर है तीन ओवर के बाद हम देखें तो 30, एक अच्छा टोटल खड़ा कर चुकी है। संयुक्त स्पोर्ट के शॉर्ट पैकेट डायनामाइक भी हमसे जुड़ चुके हैं। ये देखिए आज निकले शेलार को गेंदबाजी सौंपी गई है चौथे ओवर के लिए। ओहो शुरुआती जब क्रिकेट सीजन की शुरुआत हुई थी इस साल तो निकले शेलार कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिट नहीं थे, यही कारण था कि उन्हें गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दूर रखा जा रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में जो बाली ट्रॉफी खत्म हुई बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट, वहाँ पर बहुत अच्छा खेल पेश किया निकले शेलार ने। और वहीं पर मैं बात करूँ एक समाज का टूर्नामेंट उन्होंने खेला था डे नाइट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चषक, वहाँ पर बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, तो लगता है जो अब कॉन्फिडेंस और वो फॉर्म है उनका वापस लौट आ रहा है।
तो अब यही कारण है कि अब हरनो भी उन्हें मौका दे रही है। चौथे ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, देखना है क्या खिलाड़ी गेंद तक पहुंच पाएंगे। जी नहीं, मस्तक पे दस्तक, सिक्सर लगाकर पिक्चर में आते हुए बल्लेबाज, 6 रन। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है 36-36। अब हम कह सकते हैं कि मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर है, क्योंकि अब 40 रन यहां से आसानी से बनते हुए तो नजर आ रहे हैं, और अगर 40 रन बन जाते हैं तो फिर कठिनाइयां रहेगी अरनौ के लिए। इस बार फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ उतना अच्छा, अंपायर के फैसले का इंतजार। लेग बाय, लेग बाय की शक्ल में आता हुआ एक रन, इस एक रन की मदद से टोटल स्कोर है 37-37। निकलेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार काफी आगे रखा था, मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाया है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास मौका था लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए, थोड़ा सा मुश्किल था। गेंद वन बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। चौके की मदद से टोटल स्कोर है 41-41। एक अब अच्छा टोटल नजर आता हुआ जवान के लिए, देखिए बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई थी गणेश पाटिल ने, सिर्फ रन खर्च किए थे 4, उसके बाद राहुल तरे आए जिन्होंने 18 खर्च किए, फिर से गणेश जूनियर आए जिन्होंने अच्छा बैकअप दिया, कमबैक कराया अपनी टीम को, 8 रन खर्च किए। अब वहीं पर हम देखे निकलेश शेलार तो शुरुआती 3 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं, जिसमें से एक लेग बाय के रन है। दिखने गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है, गेंद को बदलने की मांग की वहाँ पर अंपायर शकील कोटी सर ने। बिल्कुल तेज धूप नजर आ रही है इस वक्त हमें मैदान पर, क्योंकि अब मार्च का महीना भी खत्म होने को मजर खान, गर्मी अब काफी शदीद हो चुकी है, आसान नहीं होता हमारे अंपायर्स को भी वहाँ पर खड़े रहना, और खिलाड़ियों को देखिए, खिलाड़ियों को तो फिटनेस का स्तर वो तो दिखाना होगा। गेंद को बदलने की मांग की थी वहाँ पर अंपायर ने। अब एक बार फिर से खेल की शुरुआत, निकलेश शेलार अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए, बल्लेबाज स्ट्राइक पर है सुजीत। अगली गेंद, इस बार उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आई, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर, खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं, एक से दोनों बल्लेबाज सहमत। एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42-42। निकलेश की अगली गेंद, इस बार गुड नाइट टेक, क्या सिक्सर देख, जी नहीं आउट हो गए वहां पर सोनू। पहला सफलता हासिल करते हैं वहां पर निकलेश शेलार, और मैं समझता हूँ इस सीजन की भी उनकी पहली विकेट है। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त मुसी, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, जबकि स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज सुजीत। इस बार बल्ला चलाया है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से बल्ले पे नहीं आई, एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे, और देखना है खतरा हो सकता है, अंपायर के फैसले का इंतजार। ये देखिए हमसे जुड़ते हुए डीजे सुमित जॉली, वेलकम। एक रन, एक की मदद से टोटल स्कोर है 43-43 और 44 रनों का टारगेट है। डीएस ने अगले मुकाबले का टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, बल्लेबाजी की दावत दी संयुक्त स्पोर्ट को।
तो देखने अब 44 रनों का जो लक्ष्य रखा गया है ये देखिए वैभव अल्लाड़ भी हमें नजर आ रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। अच्छा संयुक्त में काफी बदलाव हमें नजर आ रहा है। चेक करो। हाँ एक मीटर तो सेव कर नंबर सेव करून तिला व्हाट्सअप वरती कावी करून चेक कर आणि चेक करून ना व्हाट्सअप ओपन करून तिच्या वरती ना कॉलिंग नंबर असेल तिचा व्हाट्सअप तो व्हाट्सअप लावू शकतो तू। आता मला हैरान नको करू मी कामात आहे का जल्द से जल्द फील्ड को सजाना है जोहान स्पोर्ट बल्लेबाजी के लिए आना है। अर्नव इंटरप्राइजेस खारबाव दोनों ओपनर बैट्समैन देखने किसे सलामी बल्लेबाजी के तौर पे भेजा जाता है। मास ए मास टेस्ट कर देना दो मिनट मास बिल्कुल काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं हम्माद अंसारी और आमिर अंसारी कामयाब करते हुए अपने टूर्नामेंट को। तो बल्लेबाजी को जाते हुए कुणाल और अक्षय कुणाल जो के बैट्समैन होती टूर्नामेंट थे शिवाज ट्रॉफी के और उनका साथ देने के लिए गए हैं अक्षय। अक्षय भी एक अच्छे बल्लेबाज है लेकिन इस सीज़न उनका उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं रहा है अप एंड डाउन काफ़ी देखने को मिला उनकी तरफ से। जो टारगेट है 44 तो पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज रफीक उनके सामने बल्लेबाज अक्षय पाटिल नॉन स्ट्राइकर एंड पर है कुणाल देखना है कुणाल आज क्या फिर से कहेंगे। माफ करिएगा राहुल है राहुल तरे इस देखिए फुल टॉस गेंद बॉलर बैक खेला था वहां पर बल्लेबाज ने रोक नहीं पाए अपने फॉलर थ्रो में रफीक एक रन दौड़ के पूरा किया एक की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर अक्षय पाटिल ने। देखिए जोहान स्पोर्ट जो पिछले साल से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में इंटर की अच्छा खेल पेश किया मजहर खान अभी तक लेकिन मेगा फाइनल तक का फासला इन्होंने नहीं तय किया है लेकिन चुनौतियां पेश करती हैं बड़ी बड़ी टीमों को। इस बार स्लॉक किया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ
टू रन्स। हमसे अभी अभी जुड़ चुके हैं डीजे सुमित जॉली। बहुत खूबसूरत आवाज़ पूरे भिवंडी शहर में इनके ही थ्रू पहुंचाई जाती है। इस बार लीडिंग एज, लेकिन विकेट कीपर तक गेंद नहीं पहुंची कोई भी, नहीं नहीं लिया बल्लेबाजों ने। डॉट बॉल, इस बार फिर से वही स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फिर से बल्ले का अंदरूनी किनारा इस बार गेंद लेकर पीछे की तरफ गई थी। एक रन दौड़ के पूरा किया, एक की मदद से टोटल स्कोर है 3। अगली गेंद, इस बार खड़े खड़े तान दिया है बल्लेबाज ने, गेंद हवा में और पहला ब्रेक थ्रू, पहला झटका लगता हुआ वहां पर हम देखे तो अर्नव इंटरप्राइजेस खारभाव को, आउट होते हुए राहुल तरे। रोमित ना पहला विकेट गिरा, उसके बाद बल्लेबाजी को आए हैं रोमित। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ, कुल रन बने इस वक्त हम देखे तो 4 और 2 रनों का पेनल्टी ऐड किया जा रहा है, तो टोटल स्कोर है इस वक्त 1 ओवर के बाद 6। देखिए अर्नव के बारहवें खिलाड़ी, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर था 4, 2 रनों का जो पेनल्टी दिया गया था जोहान स्पोर्ट को हमने ऐड कर दिया है, तो 4+2=6। 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 6 रन 6 रन। अब देखिए वहां पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण स्कोर में समस्या थी, अब उसे ठीक कर दिया गया है। तो 1 ओवर के बाद जो टोटल स्कोर है 5 और आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव। अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मयूर, देखना है मयूर अपनी गेंदबाजी से कैसा छेड़ते हैं सुर या फिर अर्नव इंटरप्राइजेस खारभाव कुछ अलग रूप धारण करेगी। बिल्कुल मयूर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, ओहो वहां पर गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, बहुत फाइन, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास, 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर का इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ हम देखे तो 9 रन 9 और स्ट्रोक खेला था वहां पर बल्लेबाज ने बहुत फाइन। ये देखिए जो आवाज की थोड़ा सा खराबी थी डीजे सुमित कहने के बाद सारी दूर हो गई। रोमित के बल्ले से अच्छा चौका आया पहली गेंद पर। अगली गेंद मयूर की, इस बार अच्छी गुडलिन बॉल सवाल और अंपायर की सहमति,
एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर अर्णव इंटरप्राइजेस खाओ भाव को देखिए मजर कर अर्णव इंटरप्राइजेस खारबाव जो ऐसी टीम है जिसने बाले ट्रॉफी में 3 मैचेस जीते थे लेकिन पोइनियर से उन्हें एक तरफा हार मिली थी। लेकिन देखिए जूनियर लेवल की टीम बाले ट्रॉफी में जाकर अगर 3 मैचेस जीतती है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनका खेल कितना अच्छा है। और सिटी मर्जिंग क्रिकेट की हम बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा क्रिकेट हमेशा पेश करती है। हेलो हेलो अगली गेंद फुल टॉस गेंद हवा में खिलाड़ी दूर से मुशी ओहो व्हाट अ कैच इसीलिए तो कहते हैं ना पकड़ो कैच जीतो मैच। क्या कोई अपसेट देखने जा रहे हैं बैक टू बैक 2 विकेट हासिल करते हुए वहां पर मयूर गजब का छेड़ रहे अपने गेंदबाजी से सुर। अब कठिनाइयों में नजर आ रही है इस वक्त हमें अर्णव इंटरप्राइजेस खारबाव। स्कोर है इस वक्त हम देखे तो 9 runs 9 वो भी विकेट गिर चुके हैं। अब हम देखे तो 3 नए बल्लेबाज हैं इस वक्त चेतन हैट्रिक विकेट पर है गेंदबाज मयूर स्ट्राइक पर है अक्षय हवा में खेला है हैट्रिक का मौका और ये देखिए दूसरे ही मैच में एफए ट्रॉफी का पहला हैट्रिक हमें देखने को मिलता हुआ मयूर के तरफ से। अक्षय पाटिल आउट होके पवेलियन की तरफ लौटते हुए देखिए मजर खान हैट्रिक विकेट की गेंद थी और वहां पर अक्षय पाटिल बड़ा स्ट्रोक खेलने गए जबकि उन्हें चाहिए था कि वो डिफेंस करे या तो स्ट्राइक को रोटेट करे। बल्लेबाजी को आ रही है गणेश पाटिल अभी भी निकेश शेलार को रोक कर रखा है देखना है ये फैसला कितना सही साबित होता है क्योंकि कहते हैं ना अगर आपको जंग जीतनी है तो तलवार को म्यान से बाहर निकालना होगा म्यान में तलवार को रख के आप कभी भी जंग नहीं जीत सकते। ये देखिए अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए 14 बॉल में 35 अब काफी मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं अर्णव इंटरप्राइजेस खारबाव के। अगली गेंद इस बार खेल दिया बल्लेबाज चेतन ने कॉ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद 1 बाउंस पे गेंद को फील्ड किया थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आई थी बल्लेबाजों के बीच में एक से ज्यादा कुछ भी नहीं चेतन ने अपना खाता खोला इस गेंद पर एक की मदद से टोटल स्कोर 10 देखने क्या गणेश पाटिल कहेंगे अब बस बहुत गिर चुके विकेट्स लेकिन कमाल की गेंदबाजी की है यहाँ पर हम देखें तो मयूर ने पूरी तरह से शांत रखा 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया। अगली गेंद गणेश पाटिल के लिए इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे और आउट हो गए गणेश पाटिल। ये देखिए बिल्कुल इस वक्त ऐसा चल रहा है मजर खान तू चल मैं आया देखिए बहुत ज्यादा सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर आए थे शरीर की तरफ गेंद थी उसे स्वंग कर दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर और एक अच्छा और आसान सा कैच। पांचवा झटका लगता हुआ इस वक्त अर्णव इंटरप्राइजेस खारबाव को आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है सिर्फ 10 रन के स्कोर पर तो अब हालात बद से ज्यादा बदतर होते हुए और पूरी तरह से मुश्किलात में पड़ चुकी अब अर्णव इंटरप्राइजेस। नए बल्लेबाज जा रहे हैं वैभव बाएं हाथ के बल्लेबाज है देखिए मैं समझता हूँ काफी देर से भेजा गया इन्हें क्योंकि चैलेंज ग्राउंड की अगर हम बात करें तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए काफी मदद गार साबित रहता है क्योंकि उस तरफ की जो बाउंड्री है थोड़ी सी कहीं ना कहीं छोटी है और आज काफी देर से भेजा है वैभव को।
तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज जुनैद। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, मजहर खान अभी फेवरेट नजर आ रही है इस वक्त हम बात करें तो जोहान स्पोर्ट, क्योंकि अब 12 बॉल में जो जीत के लिए रन चाहिए 34-34 चेतन है ना स्ट्राइक पे, तो 17 का आस्किंग रन रेट है। अगर ये ओवर थोड़ा भी अच्छा करते हैं जुनैद तो फिर और फेवरेट हो जाएगी। सवाल देखने वहां पर, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं, लेग बाय का इशारा, एक रन एक की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ, एक और एक 11। देखना इस टूर्नामेंट में कौन होगा हमारा मेरे साथ निभा रहे इस टूर्नामेंट में मजहर खान, इनके तो क्या कहने, ये दिन में भी रात में भी सुबह में भी शाम में भी हर वक्त कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से भिवंडी शहर में छाए हुए हैं। और इस साल तो इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और बिल्कुल मेरी बहुत अच्छी रहनुमाई की है, मैं तो इनका तहदिल से शुक्रगुजार हूँ। एक बड़े भाई की तरह इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के इस साल मेरी रहनुमाई की। इस बार खेल दिया बल्लेबाज ने, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जा रही है और लॉन्ग लेग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट लेकिन फील्डर से भी फंबल हुआ और दो रन मुकम्मल। तीसरे के लिए पलटे और देखने हैं वहां पर अंपायर की उंगली खड़ी, दो रन और एक विकेट। ये देखिए मजहर खान यहाँ पर क्या हुआ है, वो कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बार आना, वैभव ने कोई गेंदे नहीं खेली, अब आउट होके पवेलियन लौट रहे हैं डायमंड डक। वैभव के बल्ले से ये स्ट्रोक खेला गया था, दो रन बना के अब आउट होते हुए, लालच में आ गए थे, दो रन मिले तीसरे के लिए भी पलटे थे, इसीलिए तो कहते हैं ना लालच बहुत बुरी बला है, अगर गले पड़ जाए तो कभी कभी गला दबा देती है तो फिर कभी कभी आपको आबाद कर देती है। और अब बल्लेबाजी को जा रही है निकले शेलार, शेलार की तलवार, अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए 10 बॉल में 30 रन 31, तो जब यहां से बल्लेबाजी करनी होगी तो 310 के स्ट्राइक रेट से मजहर खान तब जाकर अर्नव इंटरप्राइजेस इस मैच को अपने नाम कर सकती है। अब कठिनाइयां इनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, देखना है अब इस मुश्किल हालात से किस तरह निकलती है अर्नव इंटरप्राइजेस। जुनैद एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है, चेतन तान दिया है चेतन ने खड़े खड़े, उतना अच्छा संपर्क नहीं नजर आ रहा है लेकिन ये देखिए मौका भी दिया और साथ ही साथ छक्का भी, बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती है कॉ कॉर्नर के खिलाड़ी से, तौसीफ मौजूद थे बहुत इत्मीनान से कैच को करना चाहते थे लेकिन गेंद हाथों से छिटक कर मैदान के बाहर गई। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं पायनियर बी के कैप्टन मूसा, वेलकम मूसा। ये देखिए अब एमजे स्पोर्ट भी हमें नजर आ रही है, अगली गेंद इस पर लॉफ कर दिया और गेंद को भेज दिया बहुत दूर, दर्शकों दीर्घा से भी दूर, 6 रन। इस सिक्सर को लगाकर चेतन आते हुए पिक्चर में और गेंदबाज को देते हुए वेतन, सिक्सर की मदद से मजहर खान टोटल स्कोर हम देखिए तो कुल 25 रन है 25। अब 6 बॉल में अभी भी 2 बॉल का आना बाकी, इसके बाद एक और है, 6 बॉल इसके बाद बची हुई है 8 बॉल में 19, तो अगर हम टोटल गेंदे देखें तो 8 बची हुई है और जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 19 19, तो फिर से मुकाबला बराबरी पर। देखिए टेनिस क्रिकेट में इसीलिए तो कहा जाता है ना कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, हम देखते हैं एक एक बॉल में गेम बदलते हुए। इसके बाद हम एक और अच्छा मुकाबला देखेंगे एक्शन में, नजर आएंगे डीएस स्पोर्ट और दूसरी तरफ है संयुक्त स्पोर्ट। देखिए अतीक भी हमसे जुड़ते हुए वेलकम, एमजे के कैप्टन अतीक और एमजे की किस्मत की तो क्या कहने। देखिए एक स्लिप पॉइंट ले लिया है वहां पर गेंदबाज जुनैद ने,
राइट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से बल्ला चलाया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से फर होती हुई चार रनों के लिए। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर है 29 और यहां पर बल्लेबाजी करें चेतन बहुत फाइन। अब जो जीत के लिए रन चाहिए 7 बॉल 15 रन 15। अब आहिस्ता आहिस्ता हावी होती हुई अर्नब एंटरप्राइजेस और उनके 12वें खिलाड़ी के चेहरे पर खुशी नजर आती हुई, काफी देर से चिंतित नजर आ रहे थे। जुनैद मुड़ते हुए चेतन के लिए, अगली गेंद हुक और बहुत दूर भेजा है इस गेंद को, काफी दूर 6 रन। क्या बल्लेबाजी किया वहां पर चेतन ने मैच विनिंग पारी खेलते हुए अब तक अपनी टीम के लिए। अब स्कोर हम देखिए तो इस वक्त 35-35। अब जीत के लिए जो रन चाहिए 6 बॉल 9 रन। देखिए मैंने पहले ही कहा था ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 पे 34 चाहिए थे, जो आस्किंग रन रेट था वो 17 का था। अगर 10 से 12 रन का ओवर कर देते जुनैद तो फिर हावी हो जाती जोहान स्पोर्ट, और वहीं पर मैंने कहा कि अगर 20 रन के आसपास बना लेती है अर्नब एंटरप्राइजेस खरबा हो तो फिर वो फेवरेट वो भी नजर आएगी। और यहाँ पर 20 क्या देखने, दोनों हाथों से लूटे चेतन ने 25 रन बटोर दिए जुनैद के ओवर में। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया था वहां पर, ड्रिंक्स लेकर आए थे गणेश बडिल। देखिए मजहर खान, मैं अक्सर कहता हूँ पानी लाना तो एक बहाना है, ड्रेसिंग रूम से कुछ मैसेज पहुंचाना है। देखना अब जो मैसेज पहुंचाया गया उसे किस तरह से अमल करती है इस वक्त अर्नब एंटरप्राइजेस खारबाओ के दोनों बल्लेबाज। देखिए प्लान बनाना आसान होता है लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना ये काफी मुश्किल होता है। समय के लिए कॉपरेट करना है प्लीज। खेलने वाली दोनों ही टीमें 6 बॉल 9 रन, दूसरा ही मैच सुपर से ऊपर जाता हुआ, लेकिन सिटी मर्जिंग क्रिकेट में सुपर ओवर नहीं होता, चेसिंग कंपलसरी है और साथ ही साथ ड्रेसिंग भी। देखिए आपको इस बात का ख्याल रखना है चेसिंग कंपलसरी है। 6 बॉल 9 रन, स्ट्राइक पर कौन है, निकेश शेलार, शेलार की तलवार। तो वहीं पर गेंदबाजी करें सोनू टीम के कैप्टन, छोटी गेंद हुक और पहली गेंद को भेद दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर है इस वक्त हम देखें तो 41 और इस मैच में काफी नजर आया है फन। और निकलेश शेलार ने पहली गेंद पर चलाई अपनी गन 6 रन। अब जीत के लिए जो रन चाहिए 5 बॉल में 3। क्लास दिखाते हैं वहां पर निकलेश शेलार, सोनू जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये देखिए घुटना टेक और गेंदबाज को कहते हुए सिक्सर देख, तो मैच को जीत दिया यहां पर अर्नब एंटरप्राइजेस खारबाओ ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक जोहान स्पोर्ट। जोहान के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलने हैं हम्माद अंसारी और अली खरबे। आइए लौट चलते मैन ऑफ द मैच की तरफ, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है आइए जिन्होंने पेश किया जुनैद के सामने वेतन, वो है अर्नब इंटरप्राइजेस के चेतन। क्या बल्लेबाजी की चेतन, आइए आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। जोहान के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलकर जाना है प्लीज। आइए चेतन, क्या बल्लेबाजी की इन्होंने, बिल्कुल कहते ना शेर के मुंह से शिकार छीन लिया इन्होंने, हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया। मुजल्फा खरबे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए चेतन को, उसके बाद गिफ्ट एम्पर। ये देखिए एफए ट्रॉफी में दो दो मैन ऑफ द मैच दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुजल्फा खरबे, वेल प्लेड चेतन एंड हार्ड लक।
जॉन स्पोर्ट। बिल्कुल रॉयल दरबार के प्रोप्राइटर मुजल्फा खरबी, उनकी ही देन है ये ट्रॉफीज जो मैन ऑफ द मैच के लिए दी जा रही है। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक बहुत कीमती ताउन पेश किया इफे ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए। आइए अब उस कमेंटेटर की हम आवाज सुनने जा रहे हैं जो पूरे भिवंडी शहर में अपनी आवाज का लोहा मनवा चुके हैं और अब कमेंट्री की शान को बढ़ा रहे हैं मजहर खान। आइए देखिए जोहान के कैप्टन, प्लीज आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलकर जाना है, सोनू या फिर मुसी आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हम्माद अंसारी अली करबे इनसे मिलकर जाना है। आइए मैच की शुरुआत मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। एफए ट्रॉफी 2022 प्रेजेंट बाय स्टार चैलेंजर ग्रुप। जोहान